हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको रेसिपी नहीं लेकिन बालों को कलर करना सिखाएंगे, यानी कि मेहंदी से हम किस तरह से सफेद बाल ब्राउन कर सकते हैं, ये हम आपको आज बताएंगे। तो जिसके लिए हमने ली है यहाँ पे मेहंदी, ये कप से हमने नापा है 1 कप मेहंदी, और ये है चाय का पानी। खोलते हुए पानी में हमने सिर्फ चाय की पत्ती आधी चम्मच डाली और उसे हमने उबाल के ठंडा कर लिया। तो ये पानी हमारा तैयार है, इसे हम छान लेंगे। अभी ये ठंडा पानी है और एक अंडे की सफेदी, सिर्फ हमें सफेदी चाहिए। तो अंडा हम तोड़ लेंगे। और इसकी सफेदी को हम अलग कर लेंगे। यह हमने पीलापन अलग कर दिया और सफेदी अलग कर दी। यहाँ पे हमारी मेहंदी है, इसमें हम ये अंडे की सफेदी डालेंगे। और इसमें डालेंगे हम कॉफी हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच। आप कोई भी अच्छी क्वालिटी की कॉफी ले सकते हैं, ब्राउन कलर होना चाहिए कॉफी का। और ये चाय का पानी है, ठंडा पानी, इससे हम मेहंदी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इंडियन फूड हट में हमारी कई सारी अच्छी अच्छी रेसिपी है, कुकिंग रेसिपी, उसे भी आप देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। बालों को ब्राउन करने के लिए, कलर लाने के लिए ये मेहंदी हमने भिगाई है। हमारी मेहंदी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, इस तरह से हमें मिक्स कर देना है और इसे कम से कम 5 घंटे तक ढक के रख देना है। और इसके बाद आपके जो बाल है इसे बगैर तेल के, यानी कि तेल वाले नहीं चाहिए बाल, आपके सूखे बाल चाहिए, और इसे अच्छी तरह से मलना है और सूख जाने तक मेहंदी रखनी है और फिर कुनकुने पानी से धो डालना है। तो आपके सफेद बाल हैं ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे, और अंडे की सफेदी है ये काम करेगी, एकदम से चमक आ जाएगी बाल पे। और कॉफी और मेहंदी से आपके जो सफेद बाल हैं ये काले हो जाएंगे। तो आपको ये कैसे लगे ब्यूटी टिप्स? अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे थम्स अप कीजिए, और हम अगली टिप्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।